तो अगर आप भी दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS के चाहने वाले हो ना, कुछ सालों से फॉलो कर रहे हो, तो आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब जब आर्मी के लिए बांगतन बॉयज़ की सरप्राइजेस की लाइन लगती है, तब तक कोई ना कोई कंट्रोवर्सी और BTS को लेकर मुसीबत आती ही आती है। अब देखो ना, जब से ये जून का महीना स्टार्ट हुआ है, BTS आर्मी के लिए एक के बाद एक सरप्राइजेस आते ही जा रहे हैं। फिर चाहे वो BTS का फेस्टा हो, जंगकुक का नया सॉन्ग हो, जिन की वापसी हो, या फिर जिनका हग इवेंट, फैंस के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। लेकिन किसने ही सोचा था कि जिस आने वाले जंगकुक के सॉन्ग के लिए कल से हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड थे, वो भी एक बार फिर से मुसीबत में आ जाएगा और जंगकुक को इस सॉन्ग के लिए इतनी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ेगा। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि जंगकुक का ये नया सॉन्ग जो फेस्टा पर 7th ऑफ जून को रिलीज होने वाला है, जिसका नाम नेवर लेट गो रखा गया है, उसके लिए तो सभी एक्साइटेड थे कि जंगकुक आर्मी को फेस्टा पर BTS की एनिवर्सरी पर गिफ्ट देंगे। तो आखिरकार अब ऐसा क्या हुआ जिसने जंगकुक को इस कंट्रोवर्सी में फंसा दिया? तो आर्मी हुआ कुछ यूं है कि बहुत सारे टॉक्सिक फैंस ने जो जंगकुक को पसंद नहीं करते, जिनके 22 और BTS मेंबर्स हैं, सोशल मीडिया पर ये कैंपेन स्टार्ट किया कि जंगकुक के सॉन्ग को बॉयकॉट और बैन किया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि बिग हिट और जंगकुक बाकी BTS मेंबर्स के करियर को फ्लॉप कराना चाहते हैं। ये BTS मेंबर्स के खिलाफ साजिश है कि जंगकुक के ये लोग आज भी सोलो प्रमोट कर रहे हैं। जंगकुक के अंदर काफी ईगो है, इसीलिए वो सिर्फ खुद को प्रमोट करना चाहते हैं। सीधी भाषा में बताऊं तो इन टॉक्सिक BTS आर्मीज का कहना है कि ये BTS की 11th एनिवर्सरी है, तो इस पर BTS का कोई सॉन्ग रिलीज होना चाहिए था, ना कि जंगकुक का कोई सोलो सॉन्ग। ये जंगकुक का सोलो करियर नहीं चल रहा, तो फिर बार बार क्यों हाइव उनको सोलो प्रमोट करती है जैसे कि वो सबसे बड़े आर्टिस्ट हों? यही नहीं बल्कि काफी सारे मीडिया एजेंसीज ने भी जंगकुक को इसी तरह प्रमोट किया है। ये हेडलाइंस देखने को मिली है कि BTS का सबसे बड़ा सुपरस्टार कमबैक करने जा रहा है, जिससे फैंस थोड़े और नाराज हैं। बट मुझे समझ नहीं आता इसमें जंगकुक को हेट करने की बात कहां से आ गई। हर चीज हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। हो सकता है कि OT7 का कोई सॉन्ग बना ही ना हो, उनके पास तैयार ही ना हो, वरना वो उसी को रिलीज करते। वही बात रही जंगकुक के सॉन्ग की, तो उन्होंने FM रेडियो वाले शो पर ये बात बताई थी कि उन्होंने किस तरह आर्मी के लिए एक सॉन्ग लिखा है जो वो रिलीज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसमें उन्होंने बाकी BTS मेंबर्स के अपने इमोशन भी डाले थे। हो सकता है ये वही सॉन्ग हो और आर्मी के लिए लिखा है, तो फेस्टा से अच्छा ओकेशन इसे रिलीज करने का कुछ नहीं हो सकता था। तो हर चीज में नेगेटिव ढूंढने की जगह कुछ अच्छा ढूंढो। ये तो था मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोगों को इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।